जवान तो आप सबने देखी होगी और आई एम श्योर कि सबको पसंद भी आई होगी क्योंकि एक फुल आउट पैकेज है। वो हीरो जो हमारे चाइल्डहुड के हीरो थे वो आज भी एक नए अवतार में एक नए स्टाइल में हमारे सामने इस तरीके से आ रहे हैं। सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि एक बंदा वो क्या है, वो एक्टिंग स्किल है, वो क्यों कर रहा है, अपना करियर अच्छा करने के लिए, अपना एक एम्पायर बनाने के लिए, अपनी एक लेगेसी बनाने के लिए। मुंबई जैसे शहर में ऐसे जगह अपना घर बनाना जहां पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने उस तरह का घर नहीं बना पाए। अपनी अलग अलग कंपनी स्टार्ट करना, कोई फिल्म प्रोडक्शन कर रही है रेड चिलीज, कोई VFX का काम कर रही है, कोई कुछ और फाउंडेशन का काम कर रही है, कुछ सोशल वर्किंग का काम हो रहा है। ये कैसे बना? एक एक्टिंग स्किल की वजह से। एक एक्टिंग स्किल जिसको उन्होंने मार्केट में इस तरह से प्रेजेंट किया, लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट किया, अपने खुद के पर्सनालिटी को इस तरीके से निखारा कि दिल्ली का लड़का वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बन गया। कैसे बना? किस्मत से नहीं बना, मेहनत से बना। आप शाहरुख खान के इंटरव्यूज पॉडकास्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि उस बंदे ने अपने अंदर कितना काम किया होगा। हम अपनी लाइफ में, अपने करियर में, हम एक कोर्स कर लेते हैं या फिर हम किसी जॉब पे चले जाते हैं, हमें लगता है यार अब तो सब सेट हो जाना चाहिए ना, अभी तक क्यों नहीं हुआ? 2-3 साल हमने निकाल दिए अपने करियर में, कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा था, यार इंडस्ट्री खराब है, ये खराब है, वो खराब है, सब बेकार है, फालतू कोर्स कर लिया मैंने। और फिर वो रोते रोते आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी भी खराब कर रहे हो, आप कुछ और भी नहीं कर रहे हो, बस केवल रो रहे हो। मुझे पता है मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो इंडस्ट्री में काम करना पसंद भी नहीं करते, बट पिछले इतने सालों से कुछ और ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो कंफर्ट जोन है, सैलरी आ रही है, सैलरी का एक एडिक्शन हो गया है, तो अब छोड़े कैसे? क्यों? एक ये पॉइंट होता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अचानक छोड़े कैसे, बट अगर किसी को कोई काम नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ और करना है तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकालेगा ना, कि जीवन भर ऐसे रोते रोते जाएगा और कोसते हुए जाएगा यार कंपनी बेकार थी, कोर्स बेकार था, ये बेकार है, वो बेकार है, सिस्टम ही खराब है पूरा। सिस्टम शाहरुख खान के लिए भी खराब है, सिस्टम हर किसी के लिए खराब है जो इस जिस भी कंट्री में जिस भी जगह पर वो है। हर कोई इस चीज का ब्लेम कर सकता है कि यार चीज हमारे हिसाब से नहीं है, तो जो ग्रो कर रहे हैं वो कहां से ग्रो कर रहे हैं? वो सिस्टम को समझ के उसके हिसाब से अपने आप को शेप करके आगे बढ़ के ग्रो कर रहे हैं, ना कि केवल सिस्टम को ब्लेम करके, लोगों को ब्लेम करके, और बस ठीक है यार चिल करो, OTT स्टार्ट करो, मूवी देखते हैं, बात खत्म। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठे चलेगा शाम को, फिर बैठ के गाली दिए, सब खराब है, ये खराब है, वो खराब है, सब कुछ कुछ भी ठीक नहीं है। अपने जिम्मेदारी लेगी अपने फॉल्ट्स के, अपने मिस्टेक्स के, या फिर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ट्राई ट्राई अपने किया, क्या फेलियर को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आप ब्लेम मत करिए। क्यों? क्योंकि ब्लेम करने से भला नहीं होगा आपका। हमेशा फ्रंट पे आके खेलने की कोशिश करिए। आप अगर किसी कंपनी में हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो समझने की कोशिश करिए क्यों नहीं ग्रोथ मिल रहा है। हर एक कंपनी को अच्छे इंप्लाइज की जरूरत होती है, वो अच्छे इंप्लाई आप बन सकते हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जिस स्किल की जरूरत कंपनी को होती है, आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, तो ये हो नहीं सकता है कि आपको कहीं पर प्रमोट ना किया जाए। यहां नहीं होगा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर होगा, किसी दूसरी कंपनी में होगा, बट होगा जरूर। बट अगर आप सोचो कि यार पीछे रहो, ज़्यादा प्रोजेक्ट काम दाम लेने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है वो करे, सैलरी तो मिलने, अपने महीने की सैलरी आएगी, ठीक है अपना काम नॉर्मल सा हो, दिन बिताओ घर जाओ, ये अप्रोच रखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे कभी भी। और फिर सब इस अप्रोच के साथ ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुमने जो ड्रीम्स देखे हैं वो तुम्हारे पूरे होंगे, नहीं होंगे। कोई लॉटरी लग जाए, किसी और की किस्मत से लग जाए, बट इस तरह से थॉट प्रोसेस अगर है और तुम सोच रहे हो कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास वो हो, और जब अब काम करने का टाइम आता है तो आपको सोचता है यार छोड़ो इतना टेंशन लेने का नहीं, तो अगर आप टेंशन लोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, गिरोगे नहीं, उठोगे नहीं, भागोगे नहीं, ये सारी चीजें नहीं करोगे जो जिंदगी में होनी चाहिए, तो नहीं कर पाओगे। मैंने अपने इतने सालों के करियर में यही समझा, यही सीखा कि करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोचना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बेहतर किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास, कहाँ से हम और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं जिसको हम ऑन टेबल रख सकते हैं और उससे हम कुछ फायदा निकाल सकते हैं, लोगों का भी उससे हेल्प हो जाए और मैं उससे अपने बिजनेस को सेट कर लूँ या अपने जॉब को सेट कर लूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में जाके कोई कोर्स करके या कुछ भी करके आप चीज़ों को स्मूथ कर देंगे, सब कुछ ऑटोमेशन में चला जाएगा, तो नहीं होने वाला ऐसा। हर एक दिन कुछ नया नया आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल सकते हैं तो ढालिए, नहीं ढाल सकते हैं तो पीछे हो जाएंगे आप। ठीक,
ये लाइफ का, ये यूनिवर्स का एवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है कि जो यहाँ पर सर्वाइवल स्किल के साथ रहा है वही आगे बढ़ा है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कर लिया मैंने और अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं होंगी। हमेशा तैयार रहिए मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चैलेंजेस लेने के लिए, परेशान होने के लिए, चोट खाने के लिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, जो आपको समझ मिलेगी, वही आपको आगे लेके जाएगी। वरना उन एक्टर्स के पास या जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके पास बहुत पैसे हो जाते हैं कुछ दिन काम करके अच्छे से। इंडियन टीम में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अच्छे पैसे कमा लिए हैं सबने, वो बैठ जाए, क्या जरूरत है उनको इतना दिमाग खपाने का अपना। मगर क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये गुड एंड बैड फेजेस आएंगे, उन्हें मेहनत करना है, उन्हें और आगे लेके जाना है। अगर इतना पैशन उनके अंदर नहीं होता तो इंडिया के टॉप 15 टीम में नहीं होते वो लोग। अगर इन एक्टर्स में इतना पैसा नहीं होता तो इतने करोड़ों लोगों में आप उन्हें देखने, उनकी पूरी टीम का काम देखने के लिए थिएटर में नहीं जाते हैं पैसे लगा के। समझ रहे हैं आप बात? मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने आप को सीरियस लेने की जरूरत है, अपने आप को यह समझने की जरूरत है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मेहनत से भागो मत। अगर मेहनत नहीं करोगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप फार्म इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में हैं, टाइम बीतने से अगर आप सोचें कि टाइम बीतता रहेगा, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, कभी तो लाइफ सेट होगी। लाइफ सेट पहले भी हो सकती है, लाइफ सेट तब भी वैसा ही होगी जब आप काम करने पे फोकस करेंगे, जब आप स्किल्स पे फोकस करेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व एटीट्यूड आपका होगा, या ठीक है मैं ये करूँगा, नहीं आता है ट्राई करूँगा, सीखूंगा, समझूंगा, फिर करूँगा, बट करूँगा क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे यहीं नहीं बैठे रहना है, मुझे अपने हालात ठीक करने हैं, अपनी फैमिली के हालात ठीक करने हैं, मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है और कुछ और अच्छा करना है। ये सब दिमाग में जब आपके रहेगा इनपुट, तब कहीं जाके आप सही आउटपुट निकाल पाओगे। और अगर आप इसी में फंसे हो कि ये वो ब्लेम गेम, तो सॉरी, ग्रोथ नहीं हो सकता। तो मुझे, मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे, अपने आसपास की चीज़ों पे जो आपको और बेहतर शेप कर सकता है उस पर फोकस करो। चैलेंजेस लो, वर्क लो, असाइनमेंट्स लो, प्रोजेक्ट्स लो, जो कुछ भी ट्राई कर सकते हो सब ट्राई करो। फिगर आउट करो कि क्या बेहतर हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम क्या क्या बेहतर कर सकते हो। लिमिट नहीं है तुम्हारी कोई कि तुमने बी फार्मा कर लिया तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। मैंने बी फार्मा किया तो मैं एज अ फार्मासिस्ट रोल पे तो भी नहीं बैठा हूँ। मैंने जॉब किया, मैन्युफैक्चरिंग में वर्क किया, वहाँ के सारे सिस्टम पे वर्क किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैं एज ए करियर कोच एंड जीएमपी ट्रेनर काम कर रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में जाके मैं किसी और रोल पे अपने आप को चेंज करूँ। ये मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, मैं हूँ, मुझे अपने आप को जहाँ जहाँ पे मोल्ड करना पड़ेगा, जैसे जैसे चेंज करना पड़ेगा, मैं करूँगा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करने की कोशिश करूँगा कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि बस हो गया जो होना था, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो अगले जन्म में अगला कोर्स करेंगे तभी कुछ होगा, तो सॉरी, अगर ऐसी सोच रखते हो तो चेंज कर दो। क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? इसलिए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट योर जॉब, करियर एंड फैमिली एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी एंड योर ग्रोथ एंड योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।